इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विदुर नीति की पूरी सीरीज बन रही है और विदुर नीति के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप विदुर नीति फॉर स्टूडेंट्स नाम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको महात्मा विदुर के वो 20 श्लोक बताऊंगा जिनमें उन्होंने ये बताया है कि एक आदमी को शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शादी हो चुकने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देख चुकने के बाद आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि अगर आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या अगर आप एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं तो आपको उसमें किन क्वालिटीज को देखना चाहिए। सबसे पहला श्लोक, और इसमें महात्मा विदुर ये कहते हैं कि एक इंसान को हमेशा अपनी बराबरी के परिवार में ही शादी करना चाहिए, ना अपने से बहुत ज्यादा बड़े परिवार में शादी करना चाहिए और ना ही अपने से बहुत छोटे परिवार में शादी करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो बराबर के परिवारों में शादी होती है तो दोनों परिवारों का एक दूसरे से मिलना जुलना, रहना खाना और बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे को आगे बढ़ाते भी हैं और परेशानी पड़ने पर एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से मदद भी करते हैं। पर अगर एक परिवार बहुत बड़ा है और एक परिवार बहुत छोटा है तो दोनों ही परिवार ना तो एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते हैं, ना ही एक दूसरे को अपनी परेशानी बता पाते हैं और ना ही एक दूसरे से मदद मांग पाते हैं। दूसरा श्लोक, और इसमें महात्मा विदुर ये कहते हैं कि पत्नी जो है वो शरीर का हिस्सा होती है, यानी उसकी हर तरह से देखभाल करना चाहिए और उसको सिर आंखों पर बिठाकर रखना चाहिए। और इसीलिए एक आदमी को हमेशा अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत के साथ और बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ बात करना चाहिए। पर देखिए, इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि एक आदमी को अपनी पत्नी की हर बात मान लेना चाहिए। पत्नी जो कुछ भी कहती है उस पर पहले बहुत अच्छी तरह से विचार कीजिए। अगर सही लगता है तो उसको जरूर कीजिए, और अगर सही नहीं लगता है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उस काम को बिल्कुल भी मत कीजिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सभी काम जो केवल किसी की जिद को पूरा करने के लिए या कि फिर किसी को खुश करने के लिए किए जाते हैं, कुल मिलाकर परेशानी ही देते हैं। पर देखिए, इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि पत्नी की कुछ भी सुनना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपसे ज्यादा समझदार है तो किसी भी काम को करने से पहले आपको उससे सलाह मशविरा जरूर करना चाहिए और वो जो कुछ भी कह रही है उसको वैसे का वैसा फॉलो कर लेना चाहिए। और इसका फायदा ये होगा कि एक तो आप परेशानी में पड़ोगे ही नहीं, और अगर पड़ भी गए तो आप उस परेशानी से बाहर निकल आओगे। अगला श्लोक, और देखिए ये बहुत ही ज्यादा काम का श्लोक है, और इस श्लोक में महात्मा विदुर ये कहते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत के साथ और बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ बात करना चाहिए। और ये असल में एक आदमी का फर्ज होता है कि वो इस तरह की औरत को अपने सिर आंखों पर बिठाकर रखे। पर देखिए, महात्मा विदुर फिर ये भी कहते हैं कि वो औरत जो दिल दुखाने वाली बात करती है, यानी वो जो बुरा बोलती है या बुरी तरह से बोलती है, उस तरह की औरत से दूर हो जाना चाहिए, यानी उसे छोड़ देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि महात्मा विदुर एक श्लोक में तो ये कहते हैं कि पत्नी शरीर का हिस्सा होती है और दूसरे श्लोक में महात्मा विदुर ये कह रहे हैं कि अगर पत्नी अच्छी तरह से बात नहीं करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये क्या बात हुई? और इस चीज को समझने के लिए आप दो चीजें और समझिए। सबसे पहली चीज, शरीर के किसी हिस्से में अगर गैंग्रीन हो जाए तो शरीर के उस हिस्से को काट कर अलग कर देना चाहिए। दूसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, पूरी दुनिया में सुकून से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती।
अगला श्लोक, और इसमें महात्मा विदुर ये कहते हैं कि वो जो शराब पीती है, वो जो हमेशा झगड़ा करती रहती है, वो जो आपके परिवार से निबाह कर नहीं चलती, वो जो आपके परिवार से आपको अलग करना चाहती है, वो जो आपके परिवार के बड़ों का सम्मान नहीं करती, और वो जो हर बात पर बहस करती है, इस तरह की औरत से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा दूर हो जाना चाहिए। अगला श्लोक, और देखिए श्लोक को आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में भी लिखा हुआ है कि वो इंसान जो भरोसे के लायक नहीं है उस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, पर वो इंसान भी जो बहुत ज्यादा भरोसे के लायक है उस पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंसान जो किसी पर भी भरोसा करता है उसका ना केवल बहुत ज्यादा नुकसान होता है बल्कि वो जड़ से खत्म हो जाता है। और इसीलिए महात्मा विदुर ये भी कहते हैं कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो और आप चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, आपको कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और देखिए अगर आज के जमाने के हिसाब से बात की जाए तो आदमी हो या औरत हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, लिव इन पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, ये बात 100% सही है। पर देखिए इस चीज को भी समझिए कि आदमी हो या औरत हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, लिव इन पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, अगर मोहब्बत की बात चल रही है तो अगर किसी ने अपनी जवानी में धोखा नहीं दिया तो फिर वो आपको बुढ़ापे में भी धोखा नहीं देता। आखिरी श्लोक, और इस श्लोक को समझने से पहले आप एक चीज और भी समझ लीजिए। देखिए शादी करने का असली मकसद परिवार को बढ़ाना होता है, और परिवार को बढ़ाने से मतलब है परिवार को इस तरह से बढ़ाना कि समाज भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। और इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों इस तरह के हों कि बच्चों को सही तरह की परवरिश दे सकें। और देखिए यहां से श्लोक शुरू होता है और आप इसके भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों को सही तरह से परवरिश देने का मतलब यह होता है कि अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश देना कि जो भी अच्छी क्वालिटीज और जो भी स्किल्स आप में हैं वो आपके बच्चों में भी आ जाएं, और जो भी बुरी क्वालिटीज और जो भी क्लम्सीनेस आप में है वो आपके बच्चों में नहीं आ पाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक बच्चे कुछ करने के लायक नहीं होते तब तक तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, पर जब वो कुछ करने के लायक हो जाते हैं तो फिर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस चीज को समझाने के लिए महात्मा विदुर ये कहते हैं कि जिस तरह से सर्प, अग्नि, सिंह और पुत्र आपकी हिफाजत कर सकते हैं उसी तरह से ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए अपने बच्चों से बचपन से ही बनाकर रखना चाहिए। और इसीलिए एक उम्र हो जाने के बाद अपने बच्चों से भी बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ बात करना चाहिए। अब देखिए इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी खूबसूरती के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, और इसका कुल मिलाकर मतलब इतना होता है कि लाइफ पार्टनर चुनते समय या गर्लफ्रेंड चुनते समय हमें केवल और केवल सामने वाले की क्वालिटीज ही देखना चाहिए। और जहां तक खूबसूरती की बात है उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आखिरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए तो इस वीडियो को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।